अस्सलाम वालेकुम जी, आज का हमारा टॉपिक है एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस। इसका वीडियो नंबर 002 है। बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस इन जी 001 वीडियो नंबर। एंड दिस लेवल दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर ओ लेवल ए लेवल इंटर स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो एंड सॉल्व फ्यू क्वेश्चन दैट विल क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट। सो वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आई बटन को दबा के आप उस लिंक के ज़रिए इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन में देखें, आपको दो लाइंस दी हुई हैं पैरल ए बी और सी डी। पहचान कैसे कि पैरल है ये, इसमें देखें यहाँ पर भी एरो, ये भी एरो। जहाँ पर ऐसे एरो मैंशन हो या डबल एरो मैंशन हो, इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में पैरल हैं। अच्छा, इसमें दो ट्रैवर्सल हैं, जो ट्रैवर्सल वो लाइन्स है जो पैरल लाइन्स को कट कर रही है, जो ट्रैवर्सल है पी क्यू और आर एस। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें अननोन वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं वो किस बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये है, हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू 61, क्या एंगल्स फॉर्म बाय वर्टिकल लाइंस। कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके आमने सामने वाले एंगल हमेशा सेम होते हैं। ठीक है जी, ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 61। अब हमारे पास सी डी ए अननोन रह गया। अब इसमें हम देखते हैं हम क्या, हमें सी ढूंढना है। सी क्या होता है, इंटरनल एंगल। कोई भी दो पैरेलल लाइंस पर ट्रैवल कर ट्रैवर्सल कट कर रहा है और सी बन रहा है, उसके अंदर दो एंगल्स होते हैं सी। तो हमें पता है कि इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, ये हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए रखा था मैंने। तो एंगल बी जो है 61 है प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 61, ये हो जाएगा जी एंगल सी 119 डिग्री। हमने एंगल सी भी निकाल लिया। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम एंगल डी निकालने के लिए यूज़ करेंगे वो क्या, ये एडजस्टेड एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। यानी जितनी भी लाइनें बन रही होती हैं उनका कॉमन वर्टेक्स होता है स्ट्रेट लाइन पे, उनका हमेशा सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें इसको कन्फ्यूज़ नहीं किएगा, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो एंगल सी जो 119 है, एंगल डी हमारा 180 डिग्री है, तो एंगल डी जो हमारा निकला वो निकला है 61 डिग्री। ये हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं ऐसे, तो देखें सी का यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, बी का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी है। लेकिन बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी है जो हमने कैलकुलेशन यहाँ से किया है एडजस्टेड एंगल के फॉर्मूले से, उससे भी 61 आ रहा है। और हम डायरेक्ट फार्मूले से करें तो बी की वैल्यू जो डी के बराबर है, यानी डी 61 के बराबर है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 61। अब हमारे पास रह गया है ए निकालना। ए निकालने के देखें, एंगल इसको मैं नीचे कर सकूँ ताकि विजन में आता रहे, ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए इक्वल टू 48 डिग्री
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ए बी पैरेलल टू सी डी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि देखें ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये दो लाइनें वर्टिकल हैं, तो इसका मतलब ये कट करिए, इसका मतलब ये एंगल भी 48 हुआ, ये 42। अब देखें यहाँ में जेड बन रहा है, यानी हम यूँ कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 48। इसको हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स ए बी पैरेलल टू सी डी। किसी भी तरीके से निकालें आंसर आपका सेम ही रहेगा। अच्छा ये क्वेश्चन टू है। क्वेश्चन टू में देखें हमें डायग्राम दी हुई है और डायग्राम में सी डी मालूम करना है और ए बी एच मालूम करना है, यानी सी डी और ये एंगल निकालना है और ए बी एच यानी ए बी एच ये एंगल निकालना है। इसको मैं अगर अच्छा इसमें देखिए पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, देखिए ये एरो और ये सिंगल एरो, इसको मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं, ये डबल एरो, ये डबल एरो, ये पैरेलल लाइंस हैं। सवाल में सबसे पहले पैरेलल लाइंस ढूंढें ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अब आप ये देखेंगे जो पैरेलल लाइंस है ये भी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इसको मैं यूँ रख लूँ कोई हर्ज नहीं है, इसको मैं यूँ रख लूँ कोई हर्ज नहीं है, तो ये थोड़ा सा तो ये दोनों ट्रैवर्सल से कट कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एंगल ये जेड बन गया, यूँ को मैं इसको रख दूँगा। यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, है ना, ये देखें ये बन गया इसको जेड, तो ये एंगल में अगर ई कर दूं तो ये हो जाएगा एंगल ई इक्वल टू 148 ऑल्टरनेट एंगल्स डी एफ पैरेलल टू, इसको जी कर देते हैं जी सी, इसकी वैल्यू में यहाँ पर लिख देते हैं क्या आ रही है, ये आ रही है 148। अब हमें ये पता है, ये पता है, हमें निकालना है सी डी ई, यानी सी डी और ई ये एंगल हमें निकालना है। तो हमें पता है किसी भी पॉइंट पे तमाम एंगल का सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है, यानी एंगल अगर मैं इसको एंगल एफ कह लूँ, एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस 84 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू है 148, एंगल एफ हमारे पास अननोन है जो कि एंगल बी सी डी है 84 इज इक्वल टू 360। इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो ये आ जाएगा 28 डिग्री। एंगल एफ या एंगल एफ क्या है, बी सी डी ई और एंगल सी डी ई जो है वो 28 डिग्री है। कैलकुलेशन चेक कर लिया, कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो फिर उसको कोई इशू नहीं है। ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 128 है। यानी हमारे पास ये आ गया 128। हमारे पास अब अननोन क्या है, देखें अब हमारे पास एंगल अननोन है ए बी और एच, इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे एक इसकी पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, एक ये पैरेलल लाइन है और अगर इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर दूं, इसी को एक्सटेंड कर दूं तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी,
तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स ये का स्ट्रेट लाइन हो गई, तो हमें पता है एंगल का सम हमेशा 180 होता है। यानी अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा एंगल एफ, इसको मैं कर देता हूँ एफ डैश प्लस एंगल एफ डैश इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा 128 प्लस एंगल एफ डैश इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ डैश इक्वल टू 180 माइनस 128 कितना हो जाएगा, उसको कर लेते हैं यहाँ पे 128 दिस 7 कैरी 10 टू 5, ये हो जाएगा 52। अब देखिए अब क्या इसमें ट्रिक है, ये पैरेलल लाइन है और इसकी पैरेलल लाइन ये वाली है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूँ ताकि इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको रब कर लेते हैं, वैल्यूज आ गए मेरे पास। अब जो हमारे पास डायग्राम बन रही है अलग से वो ये बन रही है, ये वाली लाइन ए बी बी डी और ये है डी एच, ये एंगल जो है ये मेरे पास है 52, ये है 74 और मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल भी हम कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। देखो ये सी बन रहा है ना, ये तो हमें पता है कि एंगल ए, अगर फर्स्ट क्रो में कोई एक्स है तो एंगल ए बी डी, ए बी डी किसके बराबर है, एक्स प्लस 74 और एंगल डी किसके बराबर है 52। अगर फर्स्ट क्रो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो इंटरनल एंगल होगा ना दोनों, यानी ये पूरा एंगल और ये एंगल मिला के किसके बराबर होगा 180 के, ये हमने प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यों, इंटरनल एंगल्स क्यों ए बी इस पैरेलल टू डी एच, ए बी डी किसके बराबर है, एक्स प्लस 74 और एंगल डी किसके बराबर है 52, ये किसके बराबर है 180। सिंपल कैलकुलेशन है, नोन एक तरफ रखें अननोन एक तरफ कर लीजिए, तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये उस तरह चला जाएगा 180 माइनस 52 74, ये सब वो हो जाएगा 54 डिग्री। यानी ये मैं अगर लिखूँ तो ये 54 डिग्री है। थीम यही है, वह पैरेलल लाइंस ढूंढें, उसको सॉल्व करें, ढूंढें उसको जो भी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अप्लाई करें। पैरेलल लाइंस पे तीन टाइप के एंगल्स ही बन रहे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल्स के लिए शॉर्ट फॉर्म है, ऑल्टरनेट एंगल और एडजेसेंट एंगल। इंटरनल एंगल्स की ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया। सो व्यूअर्स थैंक यू फॉर बीइंग अस, इसके साथ ही हम वीडियो अपनी एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम दो सवाल और सॉल्व करेंगे, उसका वीडियो नंबर आप ज़रूर देखिएगा, उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस आप लोग खुद करें ताकि
कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कंटिन्यू लर्निंग। थैंक यू जी।